नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात चुनाव की। देश में 2024 का चुनावी राउंड टू आज से शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने देश के दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कैलेंडर रिलीज कर दिया है। इन दोनों राज्यों में आज से ठीक 48 दिन बाद नई सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में पूरा चुनाव संपन्न किया जाएगा। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। घाटी में बदलाव की बयान। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। कश्मीर में भी इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम वहां सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को तैयार। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला भी सामने आएगा। डेट ऑफ पोल विल बी 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. इससे पहले जम्मू कश्मीर में साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, कांग्रेस ने 12 और अन्य पार्टियों ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन 5 सितंबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा भले है, लेकिन यहां की सरकार के पास अब पहले जैसे अधिकार नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला कर सकेगी। हालांकि उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर हुआ है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थी। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थी। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थी, लेकिन परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण बदल गया है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने पर राजनीतिक पार्टियों ने भी खुशी जताई है। सबका दावा है कि जनता का साथ उनको जरूर मिलेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में लोग हमें वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में आम लोगों को, गरीबों के लिए जो कार्य किए हैं, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, पत्थरबाजी बंद हुई है, डेवलपमेंट के बहुत बड़े कार्य शुरू हुए हैं। जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। मैं लड़ूंगा, जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए, 370 पार। अब देखिए उनको कितना मिला। कोलकाता कांड पर राजनीति जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही प्रोटेस्ट मार्च निकाल लिया।
ममता बनर्जी ने यह मार्च निर्भया कांड में दोषी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर निकाला। बंगाल में हुई हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ दिया। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च और बयान पर घमासान छिड़ गया है। বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता रेप कांड को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी की ये पहली प्रतिक्रिया थी। ममता ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के बाद भड़की हिंसा को राम और वाम से जोड़ दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट जैसी पार्टियों की राजनीतिक साजिश थी। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने भगवान राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का और शूर्पनखा का वध होना तय है। वहीं संत समाज ने भी ममता के इस बयान पर नाराजगी जताई है। छात्र छात्री को दोष दीची ना, बहिरागत कुछ राजनैतिक लोक जरा বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, বাংলাল মে অন্যায় রূপী রাবণ, তারিকা, সুপনেখা কা বধ হোনা তয় হ্যায়। রাম সদ্ভাব কে প্রতীক হ্যায়। আপ মা মাটি আর মানুষ ভুল চুকি হ্যায়। ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई जिस हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ा, जिसके लिए वो भगवान राम के नाम को भी विवादों में डालने से पीछे नहीं हटी, उस हिंसा को लेकर अब वो खुद सवालों में हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां खुलकर ये आरोप लगा रही हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडे थे। ममता बनर्जी अपने सियासी फायदे के लिए आरोपियों और पुलिस के गठजोड़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ममता विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सवालों में घिरी ममता बनर्जी सवालों के जवाब सवालों से ही दे रही हैं। ये ममता बनर्जी का इंसाफ है? वो ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों को दंगाई बता देती हैं, ये कह देती हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड बताने वाली पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए एक शब्द नहीं बोलती, उल्टा उसे बेस्ट पुलिस बताती है। और जिन ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, गृह विभाग खुद ममता बनर्जी के पास होने के नाते उन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है, क्यों इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई, तो वो धरने पर बैठने पद यात्रा निकालने लगती है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है और कोलकाता रेप कांड को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन टीएमसी के नेताओं को इसके पीछे भी साजिश का एंगल दिखाई देता है। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे हालात में किस बात की महुआ और किस बात की ममता। इधर कश्मीर से लेकर केरल तक डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा की गारंटी वो चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर गांधीनगर तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मरीजों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। फांसी से कम हम कोई सजा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उससे कम है। इतने इतने बड़े इतने गंदे क्राइम के लिए उससे कम कोई सजा नहीं होगी। कब महिला इस देश में सुरक्षित होंगी? हम 78 माह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ये क्या ये आजादी है? कोलकाता कांड पर कश्मीर से लेकर केरल तक डॉक्टर सड़कों पर उतर गए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं,
उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर गांधीनगर तक और कोलकाता से लेकर केरल तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं, ठप पड़ चुकी हैं। मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है। बमुश्किल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा उठी है। गनीमत है कि अभी सिर्फ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं, लेकिन कल यानी शनिवार को पूरे देश में सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल होंगे। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा है कि शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे देश भर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल होगी। केंद्र सरकार के सामने IMA ने जो डिमांड रखी है उसके मुताबिक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, अस्पतालों में CCTV कैमरों की संख्या बढ़े, एयरपोर्ट की तर्ज पर सभी अस्पतालों की सुरक्षा हो, प्रोटोकॉल का पालन हो, कोलकाता की मृत डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिले। कल सुबह 6 बजे से संडे सुबह 6 बजे तक का 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ अवर सर्विसेज का कॉल दिया है और हमारे साथ मैं कहता हूं कि सभी पैरामेडिकल और मेडिकल डेंटिस्ट है, फिजियोथेरापी है, नर्सिंग है, सभी लोग जुड़ने वाले हैं क्योंकि हर एक की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। जो बच्ची अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं है तो कहां सेफ होगी। RML अस्पताल आए कई मरीजों को फौरन इलाज की जरूरत है, लेकिन हड़ताल होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। डॉक्टर ने वहाँ से हमें भेज दिया, बोला कि अभी कोई हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। 25वां नंबर था, सबको भगा दिया, 2-4 देख के कह रहे हड़ताल होके जाइए और आप न्यूज देख के आइएगा। बोल रहे हैं हड़ताल है, हम लोग नहीं देखेंगे हड़ताल, दवाई आज खत्म हो गया है, उल्टी हो रहा है। खुद कोलकाता के सबसे बड़े MBS अस्पताल में 600 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल के OPD में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। मरीज रोज आते हैं और निराश होकर वापस चले जाते हैं। डॉक्टरों की मांग जायज है, उनके जल्दी से जल्दी आए जिससे पब्लिक शांत हो। अभी सब राउंड भी कर रहे हैं डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर बैठे हुए भी हैं। यहाँ के तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों हड़ताल में। पेशेंट की तो हेल्थ पे बात होती है ना, इसका एक अलग सिस्टम होना चाहिए कि ठीक है जस्टिस अपनी जगह है, गलत हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। मारना पीटना इतना इजी हो गया है, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई मानने को राजी। तो यहाँ तो काउंटर बंद है और डॉक्टर तो कह रहा है बैठा ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम लोग रिटर्न घूम के जा रहे हैं। आज कोई है ही नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस सब ऑफ है, कुछ नहीं है, बंद है सारा। बच्चे को दिखाना है, इतना चक्कर काटे, कोई डॉक्टर सुन रहा ही नहीं है, कभी इधर भगा रहे कभी उधर भगा रहे, कितने दिन हो गए दाखिल हो रहे, किराया भाड़ा लगता गरीब आदमी का। देश भर के मरीजों पर कल शनि भारी है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी मरीजों के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में सबकी उम्मीद सरकार से है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराए। छात्रों के बीच आपसी कहासुनी नई बात नहीं है, लेकिन उदयपुर में कहासुनी के बाद एक छात्र ने अपने क्लासमेट के साथ जो किया उससे सनसनी फैल गई। कलेक्टर को जनता से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। शिक्षा के मंदिर से आई खबर ने किया हैरान, सुनने वालों को नहीं हुआ कानून पर यकीन, स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है। कामयाबी का ककहरा सिखाने वाले स्कूल बदलाव के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बात मिड डे मील में घपलेबाजी और छात्राओं से छेड़खानी से आगे बढ़ चुकी है। ये हम नहीं बल्कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही धुंधली तस्वीरें कह रही हैं। जी हां, इन तस्वीरों के पीछे का सच हैरान करने वाला है। आपका मन खराब ना हो इसीलिए वीडियो को ब्लर कर दिया गया है।
तस्वीरों के पीछे फर्श पर जमा खून का थक्का है। जगह जगह पड़े खून के छींटे घटना की भयावहता को बता रहे हैं। अपराधियों के दो गुटों में हुई भिड़ंत में सड़क पर खून बहता तो भी गनीमत थी, तब सवाल कानून व्यवस्था पर उठते, लेकिन इस बार तो कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जगह भटियानी चौहटा स्थित आर्य समाज स्कूल, वक्त सुबह 10:30 बजे। सूरजपोल स्थित स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद दसवीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल स्टूडेंट की चीख पुकार सुनकर टीचर जब दौड़कर बाहर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? लंच पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच के बाद पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी कोई नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। घायल स्टूडेंट को माराणा भोपाल अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक घायल और हमलावर दोनों ही दसवीं के छात्र हैं और आर्य समाज के स्कूल में ही पढ़ते हैं। दोनों के बीच पहले क्या विवाद हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की जांघ में चाकू से 2-3 बार वार कर घायल कर स्कूल से फरार हो गया। चाकूबाजी की सूचना पर सूरजपोल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इधर मामले की सूचना पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में कई जगह बाजार बंद करवा दिए। अस्पताल में एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस ने फरार छात्र को निरुद्ध करने के साथ ही उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाकूबाजी में घायल छात्र जिंदगी की जंग लड़ रहा है। स्कूल और अस्पताल में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर ने आम जन से शांति बनाए रखने की अपील की है। व्यक्ति ने वार किया है, उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था वैसा माहौल हमेशा रहे। पुलिस का दावा है कि वो अपराध की तह तक पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संघ के लेखकों की किताबों को लेकर सियासत हाई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे इसका कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। एमपी में कॉलेज की लाइब्रेरी में संघ के लेखकों की किताब रखने को लेकर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइब्रेरी में सभी लेखकों की पुस्तकें खरीदने और रखने के निर्देश दिए गए हैं। बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए, उसका परिपत्र है, कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने। हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। दरअसल संघ के लेखकों की किताबों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी की नायक हो सकती है, पूरे देश की नायक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आज यह कहा है कि वह स्वैच्छिक है, जिसे पढ़ना हो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। मैं फिर पूछना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि संघ ने इस देश के लिए कोई एक काम भी अच्छा किया हो तो वो बता दें। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इन पुस्तकों को सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के शासन में वामपंथियों के माध्यम से भ्रामक जानकारियां पढ़ाई गई और हम उसे ठीक करने का काम कर रहे हैं। संघ के भी कार्यकर्ता स्वयं से भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। फिलहाल एमपी में बुक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। EOS-8 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दावा है कि इससे आपदा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। 3, 2, 1, 0। इसरो लगातार कामयाबी के पथ पर बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से स्पेस एजेंसी ने अपनी धमक दिखाई। सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया। SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। इस मिशन के तहत देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 और एक छोटा सैटेलाइट SR-0 डेमोसेट को लॉन्च किया गया। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गोलाकार कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की SSLV-D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये दो सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक अहम मिशन है, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। SSLV-D3 रॉकेट की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट, 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। SSLV की यह तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस लॉन्चिंग से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। मॉड्यूल एज अ पार्ट ऑफ गगनयान मिशन, द सैटेलाइट EOS-08 सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू कैरी सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर दैट विल बी यूज्ड टू मॉनिटर अल्ट्रावायलेट इरेडियंस ऑन द व्यू पोर्ट ऑफ। EOS-8 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा इकट्ठा करना है। यह कृषि, वन्य जीवन की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियों में मदद करेगा। वहीं SR-0 डेमोसेट एक छोटा सैटेलाइट है जिसे पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में भेजा जा रहा है। इसका मकसद नए तकनीकी परीक्षण करना है। इसरो के मुताबिक EOS-8 के प्राथमिक उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना और विकसित करना शामिल है। SSLV रॉकेट मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।